In search of peace, we go really far sometimes. और आज है डे वन जिसमें मैं देहरादून से गंगोत्री जा रहा हूँ, विच इज अ बेस कैंप फॉर दिस ट्रिप। मैं गंगोत्री पहुंच चुका हूं और यहां आते आते रात हो चुकी है। गंगोत्री लुक्स सो ब्यूटीफुल इन नाइट, बट आई एम टायर्ड फ्रॉम द लॉन्ग जर्नी और मैं सोऊंगा बिकॉज कल से हमारा ट्रैक शुरू होगा एंड आई नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी फॉर दैट। कल रात में फर्स्ट डे आफ्टर अराउंड 12 आवर्स ऑफ ड्राइव, मुझे पता भी नहीं चला मैं कब सो गया। दिस इज डे टू, आज से हम अपना ट्रैक शुरू करेंगे एंड आज वी विल बी कवरिंग अबाउट 9 किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम गंगोत्री टू चिरबसा। वी जस्ट स्टार्टेड आवर ट्रैक एंड वार्म अप ही हमारा। हाँ करेक्ट, दिस इज द वार्म अप। दिस रीजन इज कॉल्ड गंगोत्री नेशनल पार्क। इसके लिए इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। यू आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी पॉलिथिन बैग्स विद योर सेल्फ। ऑल्सो ये इनर लाइन परमिट आपको उत्तरकाशी से लेना पड़ता है। मेक श्योर उत्तरकाशी में रुक के आप परमिट ले लें बिकॉज देयर इज़ अन रिस्ट्रिक्शन नंबर ऑल्सो, द नंबर ऑफ टूरिस्ट अलाउड ऑन दिस ट्रिक। दिस इज गंगोत्री नेशनल पार्क का चेक पोस्ट है, यहाँ से एंट्री होती है। यहाँ पे यू हैव टू टेक द टिकट एंड जो आपने रजिस्ट्रेशन उत्तरकाशी में कराया होता है वो यहाँ पे शो करना पड़ता है। गंगोत्री से चिरबसा तक का डिस्टेंस इज एन ईजी पार्ट ऑफ दिस ट्रैक, बट कहीं कहीं पे कुछ वाटर स्ट्रीम्स हैं जिनको क्रॉस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। So I have almost covered 75% of trek till Chirbasa. So pehla isse Chirbasa mein and abhi 1 se 1.5 ghanta aur lagega main. This trek mein har din landscape change hota hai. So Chirbasa tak this trek is so beautiful, so colorful that can blow anyone's mind. So jaise jaise aage badh rahe hain Chirbasa ki taraf, I can see the mountain peaks now. I think that is Bhagirathi 1, 2 and 3. I can see one of them. Let me show you. रेस्क्यू टीम बुला, अब जाना हो रहा भाई।
मैं चिलवासा पहुंच गया हूं और फाइनली मैं अपने कैंप साइट को ढूंढ रहा हूं बिकॉज इवन आई एम वेरी मच टायर्ड राइट नाउ. बस कैंप मिलते हैं तो आई जस्ट गो अहेड एंड हैव सम रेस्ट. Look at this beautiful campsite of Chidvasa and यहाँ से भागीरथी मैसिव्स का व्यू बहुत ही खूबसूरत दिखता है. Let me show you. आ जाओ सर. डोर खोल दिया. Yeah, it's a double zip, but अंदर वाला चेन बंद नहीं हो रहा. Okay. आज का ट्रिप इज फ्रॉम चीरभासा टू भोजभासा. रफली विल टेक 2-3 आवर्स टू रीच ओवर देयर क्योंकि हम बहुत आराम से जा रहे हैं. सो दैट बिकॉज थर्ड डे जो है वी विल बी कवरिंग भोजभासा टू तपोवन जो कि बहुत लंबा स्ट्रेच है और अपनी बॉडी को एग्जॉस्ट ना करें इसलिए बहुत ही डिफरेंट पार्ट्स में वी आर डूइंग द ट्रिक. तो चीरभासा जो है दैट इज़ द लास्ट प्लेस जहाँ पे प्लांट्स हैं. आफ्टर क्रॉसिंग चीरभासा आगे का टेरेन जो आता है वो बिल्कुल ड्राई है. इस ट्रिक की खास बात ये भी है कि फर्स्ट डे टेरेन बहुत ही कलरफुल था, सेकेंड डे इट्स ऑल ड्राई टेरेन और थर्ड डे विल बी ग्लेशियर. दो घंटे हो चुके हैं चलते हुए और अभी इट विल टेक मोर 2 आवर्स चलने में. थोड़ी दूर चलने के बाद ये जो पूरा जोन स्टार्ट हुआ है इस पे पूरे पे पत्थर गिरते रहते हैं. सो दिस इज नो स्टॉपिंग. रुकना नहीं है, मैं यहाँ पे चलते रहते हैं. लेट मी शो यू हाउ डिफिकल्ट इट इज. थोड़ा दूर दूर चलना ना. आई एम ऑलमोस्ट ऑन माई कैंप साइट. चीरभासा से भोजभासा इट टुक ऑलमोस्ट 3 आवर्स. वो है हमारा कैंप साइट उस साइड. अभी नीचे से होकर के उधर तक पहुँचते हैं. मेरे पीछे GMVN का रेस्ट हाउस है. अगर किसी को सिर्फ गौमुख तक आना है तो गंगोत्री से पहले स्ट्रेच में वो भोजभासा तक आ सकते हैं. नेक्स्ट डे यहाँ पे फर्स्ट डे यहाँ पे स्टे करके नेक्स्ट डे गौमुख होके डायरेक्ट वापस गंगोत्री जा सकते हैं. एंड वो है हमारा सेकेंड कैंप साइट. कितनी खूबसूरत लोकेशन पे इन्होंने कैंप साइट लगाया था. भोजभासा कैंप साइट पे वी आर जस्ट नियर द रिवर और हम अभी नदी तक जा रहे हैं. वी विल स्पेंड द रेस्ट ऑफ द डे ओवर देयर ओनली. दिस इज़ day 4 और रात में इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि टेंट के ऊपर बर्फ जम गई है. आज के दिन हम भोजभासा से गौमुख होते हुए तपोवन जाएंगे.
तो अभी हम पुली लेकर के रिवर के राइट हैंड साइड में जा रहे हैं एंड वहां से गौमुख होते हुए तपोवन जाना है। ये नहीं पकड़ना, केयरफुल गलती से भी। बोझ बस से आगे बढ़ते ही जब हम ट्रैक शुरू करते हैं तो हमें राइट हैंड साइड में माउंट शिवलिंग पीक दिखता है और जैसा कि पूरे रास्ते से आफ्टर चीरवासा लेफ्ट हैंड साइड में भागीरथी पीक्स दिखते हैं। ओवर देयर लेट मी शो यू, ओवर देयर इज द माउंट शिवलिंग, वो भागीरथी पीक है। पत्थर पार करने के बाद जब आपको ऐसा पास मिलता है कितनी खुशी महसूस होती है ना, चलो एक मिनट के लिए सही अच्छे से चल सकते हैं। जब भी ग्रुप से अलग हो जाए तो फॉलो द फुटप्रिंट्स लाइक दिस, दीज आर ऑल द फुटप्रिंट्स। This is so difficult that I cannot even walk for 100 meters or break le raha hu main every time. Just behind me is गोमुख ग्लेशियर। टाउन है पूरा क्योंकि चारों तरफ मिट्टी के पहाड़ है, बर्फ के ऊपर पूरा मिट्टी गिरा हुआ है, हर तरफ मिट्टी गिरती ही रहती है। बहुत तेज विंड है, शायद वॉल्यूम में सही से ना आ रहा हो कैमरा में। और जस्ट बिहाइंड द ग्लेशियर भागीरथी पीक्स, जो हमें पूरे रास्ते चीरवासा के बाद पूरा रास्ता दिखा है। सो दैट इज द क्लोजेस्ट व्यू ऑफ भागीरथी पीक फ्रॉम हियर। अभी नीचे जाएंगे, यू विल सी द सोर्स। गोमुख ग्लेशियर इज एक्चुअली रियली रियली ह्यूज एंड इट इज़ एडवाइज्ड कि इसके एग्जैक्ट नीचे ज़्यादा देर ना खड़े रहें, इसमें से कभी भी पत्थर और बर्फ गिरती रहती है। लुक एट द साइज ऑफ ग्लेशियर, दिस इज सो ह्यूज। से आगे जस्ट बिहाइंड मी गोमुख ग्लेशियर है और इससे आगे जाएंगे हम तपोवन। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीच ओवर देयर एंड बट स्टिल ट्राई करके धीरे 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 मैं ब्रेक लेता हुआ जा रहा हूँ। पूरी टीम आगे जा चुकी है, जस्ट मी जो सबसे पीछे चल रहा है। गोमुख के आगे तपोवन जाने के लिए ग्लेशियर के एंड में एट दिस हाइट इस मोरेन को चढ़ना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। कहाँ पे रखना है?
very, very, very difficult. ये गोमो ग्लेशियर से इतना ऊपर आ चुके हो, हालत खराब है. गोमुख से यहाँ तक का इतना स्टीप क्लाइंब करके, पत्थर वत्थर चढ़ के जब आप ऊपर पहुँचते हो, एंड व्हेन यू सी दिस व्यू ऑफ माउंट शिवलिंग, सारी एनर्जी फिर से आ जाती है. एक्सेप्ट थोड़ा सांस फूलती है क्योंकि बहुत हाई एटीट्यूड है, एंड व्यू इज मैग्निफिसेंट. ट्रैक थोड़ा सा डिफिकल्ट है गोमुख के बाद, बट वंस यू रीच ओवर हेयर इन तपोवन, बहुत ही अमेजिंग प्लेस है. माउंट शिवलिंग, मेरू का व्यू दिखता है, बहुत बढ़िया. सबमिट करने के बाद फाइनली वापस जाने का टाइम आ गया है, एंड दिस इज अमेजिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड वी विल मीट एट नेक्स्ट वीडियो. एंड दिस इज वन लास्ट शॉट.